बिहार के शिक्षकों के 1,70,461 पदों पर बहाली होने वाली है और इसके लिए आज यानी 24 अगस्त से परीक्षा शुरू हो रही है जो कि 26 अगस्त शनिवार तक होगी। अगर आप भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा देने वाले हैं तो बीपीएससी की लेटेस्ट गाइडलाइन समझ लें। प्रदेश में 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। पूरे बिहार में करीब 850 सेंटर बनाए गए हैं। पटना में 40 सेंटर बनाए गए हैं। 31,000 के आसपास बिहार से बाहर के अभ्यर्थी भी परीक्षा देंगे और अगर कोई गड़बड़ की तो परीक्षा से वंचित भी हो सकते हैं। आपको बता दें, दो पालियों में परीक्षा होगी। पहली पाली का समय 10 से 12 बजे तक का है। इसके लिए सुबह 7 बजे के बाद एंट्री होगी। पहली पाली में 9 बजे के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। वहीं दूसरी पाली का समय 3:30 बजे से 5:30 बजे तक का है। दूसरी पाली के लिए एंट्री का समय 1 बजे से 2:30 बजे तक का है। आइए अब आपको बताते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू की गई है। एडमिट कार्ड के साथ अपनी अतिरिक्त फोटो जरूर ले जाएं। अपनी एक वैलिड आईडी प्रूफ भी लेकर जाएं। मार्कर, ब्लेड, रबड़, मोबाइल फोन ले जाना सख्त मना है। ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्मार्ट वॉच नहीं ले जा सकते हैं। प्रश्न पत्र सीधे परीक्षा केंद्र पर ही भेजे जाएंगे। सारी चीजों की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। परीक्षा खत्म होने के बाद ओएमआर शीट को सीलबंद किया जाएगा। सभी अभ्यर्थी प्रतिपाली प्रवेश पत्र की एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपी अपने साथ परीक्षा केंद्र पर जरूर ले जाएं। एग्जाम के दौरान टीचर के सामने साइन कर उसे सौंप दें। सभी सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कैमरों को इंटरनेट से जोड़ा गया है। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल जैमर लगे हुए हैं।